अरे सूरज भैया, संध्या मामी साहब, चलो चलो। आइए ये पधारी। सूरज भैया, ठीक तारी ठीक। बाबू बधाई हो। सूरज भैया, हमने आपको टीवी में देखा था, बड़े फूट रहे लग रहे थे। बधाई हो भैया, बहुत बहुत बधाई हो। अरे पिंगली, विक्रम और छवि नहीं आए अब तक? वो छवि को आज मैंने लाख कहा कि आज कॉलेज मत जा, मगर मारी कौन सुनता है। और ये वो दुकान पे साड़ियों का नया ऑर्डर आने वाला है, हिसाब किताब करना था इस वजह से, मगर वो आने वाले हैं। और मीनाक्षी चतुरी कहाँ है? अरे हाँ, चतुरी भी तो आने वाली थी ना आप लोगों के साथ। गोला तो सुबह से राह देख रहा है उसकी, एक ही गांव के है ना दोनों। अरे हाय बीमनी, चतुरी सूरज साने बधाई देने कैसे नहीं आई? वो हाँ बाबू, वो चतुरी की माँ है ना, बड़ी बीमार है, वो गांव गई हुई है। गांव? ये कैसे हो सकता है? पर मैं तो दो दिन पहले ही गांव गया था, मैंने तो ना मिली है। ऐसा भी तो हो सके है ना भोला भैया कि आप निकले और वो पहुंची, बस अभी एक ही दिन हुआ है उसको गए हुए। भोला भैया, गांव में चतुरी के घर के आसपास किसी का नंबर हो तो मुझे दीजिए ना, मैं उसे फोन कर लेती हूँ। हाँ है ना, गांव के मास्टर जी का नंबर है। धन्यवाद भैया। ये क्या हुआ, क्यों रो रहा है ये? शायद इसे भूख लगी है, बहू इसे दलिया खिला दे। कहाँ रखा है भाभी माँ? वो थैली। हे भगवान, शायद मैं रखना ही भूल गई, वो परेशानी में मैं भूल गई। परेशानी किस बात की कावेरी जी? जी वो पानी नहीं था ना तो तैयार होने में देर लग गई बस। कोई बात नहीं भाभी माँ, मैं बना लेती हूँ। अक्षरा, आप मेरे होते क्यों बनाएं? अरे भाई जरा मेरे हाथ का भी चखे देखिए। नहीं नहीं सूरज भैया, आप बैठिए मैं बना लूँ। विदेश पे बनाया, दुकान पे सारे पुष्कर के लिए बनाया, पूरे परिवार के लिए बनाया, यहाँ पे अपने भांजे के लिए नहीं बनाया तो क्या बनाया? हाँ अच्छा ठीक है, लेकिन एक शर्त पे, आप जब किचन में दलिया बनाएंगे तो मैं भी साथ में खड़ी रहूंगी, आप कैसे बनाएंगे वो आप मुझे भी सिखाएंगे। मंजूर है। आप लोग सीखो के लिए दलिया बनाइए, मैं तब तक इसे थोड़ा घुमा देती हूँ। आइए। बिंदनी ये ला दे, आइया ढंग से। हाँ मैं इसे घुमा के लेकर आती हूँ। लक्ष्मू बच्चे का मुंह ही ऐसा होता है, देखकर कोई भी नहीं रुक पाता। आप चिंता मत कीजिए, देखिएगा बहुत जल्दी संध्या बहू की गोदी में भी उसका अपना एक नन्हा मुन्ना खेलेगा। गायत्री बहन, ये आपने सही नहीं किया, ये भी कोई छुपाने वाली बात है। माँ मैं आपसे कह रही थी ना कि जरूर गायत्री बहन हमसे कुछ छुपा रही है, और तो और भाभी माँ और अक्षरा ने भी हमें नहीं बताया, फिर भी मुझे पता चल गया जी।
ये वो इतनी बड़ी बात भी नहीं है। और बड़ी बात कैसे नहीं है गायत्री बहन? तबीयत खराब है आपकी, देखिए तो चेहरा कैसे मुरझा गया है। हाँ वो आज सुबह से ही सर भारी है। गायत्री बहन आप ऐसा कीजिए, ऊपर आराम से कमरे में लेट जाइए। हाँ। छोटी को मैंने पहले ही काढ़ा बनाने भेज दिया है, अभी ऊपर भिजवाती हूँ। जेठानी जी पर्स रख के गई थी तो शेरनी की मांद में, हार डाला तो गर्दन दबोच लेगी भाभो। आप हर कोई चीज इतने प्यार से बनाते हैं सूरज भैया। भाभो ने मुझे एक बात सिखाई, ईश्वर ने हमें अन्न दिया है पर उस अन्न में स्वाद डाल के लोगों की भूख हम मिटाते हैं। इसे जो भी बनाए प्यार से बनाए, दिल से बनाए, तभी जाके वो खाने वाले को हम को लगता है। सच में सूरज भैया, आपके बारे में जितना सुना था ना उतना कम है। आपको तो इस मकाम पर पहुंचना ही था और सच में आप हकदार भी हैं। सच कहूं अक्षता, अगर आज संध्या ना होती तो ना तो मैं ये सपना देखता और ना ही ये कभी पूरा हो पाता। हम चाहे खुद को जितना भी बहादुर समझे लेकिन मुश्किल घड़ी में अपनों का प्यार और साथ बहुत बड़ी चीज होती है। मैं जानता हूं कि नैतिक जी का भी कोई मुश्किल सा, कुछ असंभव सा दिखने वाला सपना होगा, तो क्या आप हमेशा उनका साथ देंगी ना? है ना? आप ही क्या, मैं जानता हूं पूरा परिवार उनका साथ देगा, क्योंकि इसी को तो परिवार का प्रेम और एकता कहते हैं। सच, अपने घर अपने जैसी रसोई और अपने सामान के साथ कुछ बनाने के लिए मैं तरस गया था। सारी दुनिया घूम लो लेकिन अपना देश अपना ही होता है। क्या चाहिए बेटे को, क्यों इतना परेशान हो रहा है? अच्छा अच्छा ये 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 अच्छा ये अच्छा ये वाला लाइए, इसे मैं संभाल लेता हूँ, आपको परेशान कर रहा हूँ। वो बात नहीं। बस बस ना, क्या हो गया बेटा? मुझे तो पूरा इस बात का लग रहा था कि ये परेशान हो रहा था और मैं इसे संभाल ही नहीं पाई। कभी ऐसे छोटे बच्चे संभाले नहीं है मैंने। अगर आपने संभाले भी होते तब भी नक्ष इतनी आसानी से किसी के काबू नहीं आता है। बहुत शरारती है, बदमाश कहीं का, सबका लादा जो है। वैसे अपने पति को पूरी दुनिया के सामने प्यार और सम्मान पाता देख कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुश होंगी आप। किस पत्नी को नहीं होगी, उनकी काबिलियत पर तो मुझे शुरू से ही भरोसा था। फिर भी विदेश जाकर पूरी दुनिया के सबसे अच्छे कुक का अवार्ड जीतना, इतने खूबसूरत तो सपने भी नहीं आते। वैसे बहुत अच्छी जगह है सिंगापुर जी। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, आप विदेश जाने के बाद ही यहाँ और वहाँ के फर्क को समझते हैं। रहन सहन के जो तरीके हैं, सुख सुविधाएं, सब कुछ बहुत अलग है। देखा जाए तो वहाँ इंसान को इंसान समझते हैं, कुछ करने की, आगे बढ़ने की और सही मायने में जीवन जीने के मौके हैं वहाँ पर। आपकी जगह नैतिक जी, पर मैं ये नहीं मानती। मानती हूँ कि वहाँ कुछ अच्छाइयाँ हैं और यहाँ कुछ कमियाँ, पर ये कमियाँ और अच्छाइयाँ हर इंसान की तरह हर देश में होती है। और ये देखिए ना कि यहाँ कितना अपनापन है, कितनी खुशियाँ, हम सब मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। आपको नहीं लगता कि ये अपनापन सिर्फ कहने के लिए रह गया है? बात बात पर बंद, करप्शन, दंगे। संध्या जी मैं भी अपने देश से उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि आप करती, लेकिन प्यार करना एक बात होती है और अपनी गलतियों से, अपनों की कमियों से मुंह मोड़ लेना अलग बात है। अभी कुछ दिन पहले की तो बात है, चार दिन के लिए पूरे नॉर्थ इंडिया में लाइट नहीं थी। तो अब इसके लिए कौन कसूरवार है? हम इसके लिए सजा क्यों भुगते हैं? नैतिक जी आप सही कह रहे हैं, पर ये गलतियां करने वाले लोग भी तो हम जैसे ही हैं और उनकी गलतियों पे आंखें मूंदने वाले, उनको रिश्वत देने वाले लोग भी हम जैसे ही हैं। हम जाग जाए तो सब जाग जाएंगे। ये दंगे, ये आतंकवाद पूरी दुनिया में नहीं क्या? लेकिन उन सबसे लोग सबक सीखते हैं। बड़े बड़े देशों में
एक बार ऐसा अगर हादसा हो जाता है ना, तो दोबारा क्यों नहीं होता? क्योंकि वो लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। अगर हम लोग भी अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाएंगे तो कुछ भी बदलाव ला सकते हैं। लगता है इसे भूख लगी है, मैं इसे खिला देती हूँ। लाओ ये मुझे दे दो। सॉरी नर, हम सुबह से आपका ध्यान ही नहीं रख पाए। तुम पहले इसे खिला दो। इसीलिए तो मैं इसे यहाँ लेकर आई, यहाँ अच्छे से खुश होके खाएगा। वहाँ इतने सारे लोगों के बीच ना इसका ध्यान बस खेलने में ही लगा रहता है ना? एक बात पूछूं? हाँ। तुम किसी बात को लेकर परेशान हो क्या? नहीं नहीं, तो मुझे लगा कि शायद कोई टेंशन है तुम्हारे और नैतिक जी के बीच में। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लो अक्षरा, ये तुम्हारी किताबें हैं? नहीं नहीं, तनु की होंगी, आजकल वो इसी कमरे में रह रही। जय मां जगदम्बा। शंकरी ताई। राधे कृष्ण। राधे कृष्णा। अरे मैंने बताया कि अक्षरा ऊपर है, तो सोचा थारे से मिलती आऊं। और मारा लल्ला कैसा है? खुश रहे छोरे, खुश रहे। शंकरी ताई, ये संध्या है, संध्या राठी, सूरज राठी की पत्नी। नमस्ते। आई तू तो वही है ना, वो पुष्कर वाले अरविंद कोठारी जी की बेटी? जी। आपको कैसे पता? शंकरी को कैसे ना पता होगा, गांव गांव में घूम घूम के छोरे छोरियों के रिश्ते करवाऊंगी। थारे घर भी गई थी मैं कई साल पहले, पर थारे घर वाले तो थारा ब्याह ना करवाना चाहते थे। थारे बाबू जी ने कही थी मुझसे कि वो छोरी ने पढ़वावेंगे लिखवावेंगे और फिर उसे वो के कहे हैं कुछ पुलिस की कही थी कुछ। हाँ, अरे मन ने तो तभी भी कही थी थारे बाबू जी से कि थारे और मारे कहने से कुछ ना होवेगा, होवेगा तो भाई जो छोरी के भाग में होवेगा। देख थारे भाग में कैसा सुंदर सलोना छोरा लिखा था, ऐसा वर और ऐसा घर सगरे पुष्कर में दूसरा ना है। हाँ, झूठ बोलूं तो जवान जले मारी। नहीं शंकरी ताई, आप जो कह रही है सही कह रही है। थारी भाबो को भी जानू हूँ, जवान की सखत है पर दिल की बड़ी नरम है। हाँ, चलो माँ जगदम्बा सबकी जोड़ियां बनाए रखे, मारी तो बस यही दुआ है। अब जाऊँ अक्सरा, नीचे भी सब लोगों से मिल लूँ है। चल लल्ला काले और राजा। संध्या यहाँ आओ। क्या सोच रही हो संध्या? कुछ नहीं, शादी से पहले का सपना याद आ गया ना। सच कहूं तुम मुझसे भी ज्यादा ये मेरे पापा का सपना था। तो फिर तुम्हें अपना वो सपना पूरा करना चाहिए ना संध्या। देखो तुमने सूरज जी के लिए एक सपना देखा और उसे पूरा करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, तो फिर अपना सपना क्यों नहीं? तुम्हें इतने अच्छे पति मिले हैं, इतने प्यार करने वाला जीवन साथी मिला है, तुम्हें उन्हें ये बात बतानी चाहिए कि तुम आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हो। अक्षरा, अक्षरा बेटा। हाँ, हे मारा राम जी। अरे मर गई। अरे अक्षरा बेटा, वो बाथरूम कटे है। अरे देखना मारी साड़ी पर कुछ गिर गया है। रे आइए मैं आपको ले जाती हूँ। हाँ हाँ चल। हे मारा राम जी, कटे फचकी में। देखो ना, बातों बातों में बताना ही भूल गई कि मैं आप सबके लिए पुष्कर से महंगी खूबसूरत से खूबसूरत साड़ियां लाई हूँ। ये वाली कॉटी जी आपके लिए। बेटा ये आप पे बड़ा खिलेगा। ये वाली लाल रंग की आपके लिए, और ये वाली गुलाबी वाली वो अक्षरा बहन है ना,
उनके लिए जो अंदर है। अब बस ना नुकुर ना कीजिएगा, मैं तो कहती हूँ मैं तो बांध ही देती हूँ। हाँ बहुत बढ़िया साड़ी है। ये आएंगे तो बस इतना ही कहेंगे, मीनूड़ी कमाल ही है तू, मिलने मिलाने में भी साड़ियाँ टिका कर घर चली आई तू। यहाँ साड़ियाँ बेचने के लिए आई, ये लोग सूरज के लिए इतना तामझाम कर रहे हैं और तू इन लोगों से पीसा लेगी मच्छानी? आंटी आपने गायत्री आंटी आपने मुन्ना को कहीं देखा है? क्यों बेटा कोई काम है आपको? हाँ महाराज जी ने ये पेपर्स भिजवाए हैं ड्राइवर अंकल के हाथ, कहा है कि बहुत जरूरी कागज है मुन्ना के नाम। मैं उन्हें दे दूँ। मैं जरा ये ये तो मेरे चीकू की तस्वीर है। पासपोर्ट चीकू का? जाओ सूरज भैया के पास बैठ जाओ। अरे जाओ तुम्हारे पति को सम्मानित किया जा रहा है। परेशान क्यों है? नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम और समस्त महेश्वरी परिवार आप सबका आभारी है कि आप सब यहाँ आए और हमारे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। आज हम चिरंजीवी सूरज राठी का सम्मान करने जा रहे हैं, तो इस अवसर पर हमारे उदयपुर के मारवाड़ी समाज के वरिष्ठ सदस्य हमारे दद्दा जी से हम अनुरोध करेंगे कि वो स्टेज पर आए और सूरज राठी का सम्मान करें। जी हलवाई हूं, मीठी जलेबियां जरूर तल सकता हूं, लेकिन ऐसे सबके सामने कुछ कहना मेरे लिए भी उतना आसान ना है। मैं आज यहां पे आपके सामने खड़ा हूं, लेकिन यहां तक का सफर इतना आसान ना होता अगर अगर मेरे साथ मेरी मेरी भाभो, मेरे मेरे बाबा साहब और संध्या का साथ ना हो। आप तो मुझे हमेशा श्रवण कुमार कहती है ना, लेकिन एक श्रवण तभी श्रवण बनता है जब तो उसको थारे जैसी मां मिले और बाबा साहब जैसे पिता मिले। क्या हुआ दीदी? तो हुआ है, कोई बात तो है। शाम से देख रही हूँ सभी परेशान लग रहे हैं। अक्षरा का इतनी बहन भाभी माँ किसी के चेहरे पर रौनक नहीं है। हाँ दीदी मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन छोटी बहू एक मिनट आना। जी माँ। आंटी आप ठीक कह रही हैं, मुन्ना अक्षरा अंकल आंटी सब लोग बहुत परेशान हैं। क्या बेटा मालूम है क्यों परेशान है? राधे कृष्ण दुबे जी कैसे हैं? आपकी कृपा। भाई मैं तो बहुत ही खुश हूँ नैतिक के काम को लेकर, बहुत ही होनहार और समझदार लड़का है, और नैतिक के एक फैसले से भी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही सही डिसीजन लिया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं।
मुझसे कह रहा था बाऊजी और दद्दा जी ने बहुत काम किया है, अब मैं उन्हें आराम की जिंदगी देना चाहता हूँ, और वो भी ऐसी जगह जहाँ उनके लिए सारी सुविधाएं हों। और आप सबको ध्यान में ही रखते हुए सिंघानिया जी, उसने यहाँ विदेश में सेटल होने का सोचा। सॉरी सिंघानिया जी, मैं आपसे बाद में बात करूंगा, मेरा कॉल आ रहा है। ओके राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।